ऐसे देश में जहाँ लाखों अपने सपनों को पूरा करने के लिए ड्रीम सिटी ऑफ मुंबई की तरफ आते हैं और जहाँ पर हर साल हज़ार से भी ज़्यादा फिल्में रिलीज होती है, वहाँ एक फिल्म को हिट या फ्लॉप होने के लिए क्या लगता है? क्या अच्छी स्क्रिप्ट, बड़े स्टार, फिल्म की कहानी या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? लेकिन दुर्भाग्य से इंडिया की बात करें तो हार्डवर्क से ज़्यादा लक फैक्टर काम कर जाता है। आज की इस एपिसोड में हम हिंदी सिनेमा के 15 बिगेस्ट फ्लॉप फिल्मों के बारे में बात करेंगे। नंबर 15 पर है 2001 में आई, जिसको डायरेक्ट किया संतोष सिवन और जिसमें शाहरुख और करीना लीड रोल में थे, वो फिल्म अशोका। तीसरी शताब्दी के महान सम्राट अशोका के जीवन पर यह फिल्म आधारित थी, जिसका बजट 13 करोड़ था, जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा माना जाता था। शाहरुख का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को भी इम्प्रेस करने में ये फिल्म असफल रही। राजकुमार अशोक, दक्षिण की सेना हमसे अधिक बलशाली है और हमारी आधी सेना अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। सेनापति शिवरत पहुंचे नहीं है या मेरे प्रिय भाई सुषम ने पहुंचने नहीं दी? फराह खान के पति शिरीष कुंदर द्वारा डायरेक्टेड फिल्म जोकर कमर्शियली और क्रिटिकली एक डिजास्टर साबित हुई। अक्षय कुमार और सोनाक्षी स्टारर, ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। आज हमारी मदद करने को कोई तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा गांव पगलापुर हिंदुस्तान के नक्शे पर है ही नहीं। नक्शे में नहीं है? कहाँ गया? अरे कौन ले गया? ध्यान क्यों नहीं रखता? अब से रखूंगा राजा जी। नंबर 13 जाता है जानी दुश्मन को, जो आई थी 2002 में, जिसे बनाया था राजकुमार कोहली ने। फिल्म में बहुत से बड़े सितारे थे। फिल्म में अरमान कोहली, जो एक शेप शिफ्टिंग स्नेक बने हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेते हैं। जानी दुश्मन का शुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बुरी फिल्मों में किया जाता है। '91 में आई फिल्म अजूबा का बजट 8 करोड़ था, जो उस समय बहुत ज़्यादा था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से पिट गई कि फिल्म के प्रोड्यूसर शशि कपूर को अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद करनी पड़ी। अमिताभ से थी उनकी दोस्ती भी बिखर गई। रिलीज से पहले बहुत चर्चा में रहने वाली ये सुपर हीरो फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस पर कोई इम्पैक्ट डालने में असफल रही। 11वें नंबर पर है गोल्डी बहल द्वारा बनाई 2008 की फिल्म द्रोणा, जिसमें अभिषेक और प्रियंका लीड रोल में थे। द्रोणा का जो बजट था 45 करोड़, और फिल्म 15 करोड़ भी नहीं कमा पाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। दुश्मन को हार मानने का एक आखिरी मौका जरूर देना चाहिए, और अगर वो ना माने। ब्लू, जो आई थी 2009 में, ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसका बजट 129 करोड़ रुपए था। फिल्म में बेहतरीन अंडरवाटर शॉट्स, महंगे से महंगी एक्शन कोरियोग्राफी होते हुए भी इस फिल्म ने डिसअपॉइंट कर दिया और इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में इसका शुमार हो गया। नौवे नंबर पर है 2000 में आई फिल्म राजू चाचा, जिसमें अजय और काजोल लीड रोल में थे। अजय देवगन ने ये फिल्म खुद ही प्रोड्यूस की थी। एज ए प्रोड्यूसर ये उनकी पहली फिल्म थी, जिसका बजट 30 करोड़ था, जो सन 2000 में बहुत ज़्यादा माना जाता था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई। इंडियन ऑडियंस को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई और साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? जी नहीं, हम आपको नहीं जानते। देखिए, जानता तो मैं भी नहीं आपको, पर फर्ज तो यही कह रहे हैं ना कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। मैडम, who knows, वो मुसीबत फिर से आ जाएगी। हम सबको पता है कि आमिर खान ने इस फिल्म के लिए कितनी मेहनत ली थी। ये फिल्म उस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी, लेकिन एक वेश्या का स्वतंत्र योद्धा से रोमांस दिखाना, ये आइडिया ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं भाया था। 35 करोड़ बजट वाले इस फिल्म से लोगों को केवल आमिर के लंबे बाल और उनकी मूछें इतना ही याद रही। छठे नंबर पर है मणि रत्नम की फिल्म रावण, जिसमें अभिषेक, ऐश्वर्या और विक्रम लीड रोल में थे।
फिल्म का बजट 100 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50% से भी ज़्यादा लॉस किया था। नंबर 5 पर है 2008 की फिल्म लव स्टोरी 2050, जिसमें प्रियंका और हरमन बावेजा लीड रोल में थे। फिल्म की VFX टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से थी और अपने स्पेशल इफेक्ट्स के लिए फिल्म बहुत चर्चा में थी, लेकिन अपने बेटे हरमन को ड्रीम लॉन्च करने में पिता हैरी बावेजा पूरी तरह से असफल रहे। फिल्म तो फ्लॉप हुई ही और हरमन बावेजा पर ऋतिक लुकालाइक का ठप्पा लग गया। उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड और को स्टार प्रियंका से भी उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता है, वक्त से भी और किस्मत से भी। सुपरस्टार बेटा नामचीन डायरेक्टर बेहतरीन साउंडट्रैक होते हुए भी इस फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाए। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ऋतिक रोशन के होने के बावजूद भी 150 करोड़ डूब गए। ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। जय, ये है नताशा, मी अमोर, मैं गाकी। You know, I... ¿Ibas a decir algo? Dilo. Sí, sí. I don't know what you said. नंबर 3 पर है रूप की रानी चोरों का राजा। ऐसा कहा जाता है कि बोनी कपूर ने अपना सारा पैसा अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में लगा दिया था। जब फिल्में लाखों में बनती थी, ऐसे समय में उन्होंने 9 करोड़ रुपए इस फिल्म के लिए लगाए थे। शेखर कपूर इस फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर थे, पर बीच में ही वो ये फिल्म छोड़कर चले गए। फिल्म के फ्लॉप होने का इल्ज़ाम खराब डायलॉग, पुअर म्यूजिक और वीक स्टोरी पर डाला गया। अनिल कपूर, श्रीदेवी और जैकी श्रॉफ फिल्म में होने के बावजूद भी ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म बन गई। आज कोई नया ड्रामा? बिल्कुल नया। और अगर चाहते हो कि मैं ड्रामा ना करूं, तो वो हाथ जो तुम्हारी जेब में है, बिना किसी ड्रामे के मुझे दे दो। नंबर 2 पर है अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट। कश्यप साहब के फिल्मी करियर में एक नासूर साबित हुई। सिने फैंस ने इस फिल्म को ऐसा रिजेक्ट कर दिया कि 125 करोड़ की इस फिल्म को 100 करोड़ का लॉस उठाना पड़ गया। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा फिल्म में होते हुए भी इस फिल्म को डिजास्टर होने से नहीं बचा सके। बहुत से लोग इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे बिगेस्ट फ्लॉप फिल्म मानते हैं। जॉनी, मुझे बॉम्बे से ले चलो। पागल है क्या? अभी तो अपन स्मॉल से लार्ज हुए, अभी बढ़िया होना बाकी है। बॉलीवुड की सबसे खराब, सबसे बड़ी फ्लॉप, ग्रेटेस्ट वर्स्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, इस तरह के सारे सरताज हम इस फिल्म को दे सकते हैं। राम गोपाल वर्मा ने शोले का रीमेक बनाया और अमिताभ को गब्बर के रोल में कास्ट किया। ये फिल्म इतनी बुरी थी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने भी इस फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया और कॉपीराइट के चक्कर में राम गोपाल वर्मा को 10 लाख का नुकसान उठाना पड़ गया। अपन से किचन माउस के आतंक की है, जो कि हमारी आजादी के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये थी 15 बॉक्स ऑफिस डिजास्टर मूवीज की लिस्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।